हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। दोस्तों आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से वीडियो है एक, जिसमें कि दो नंबर तीन नंबर का ईटा लगाया हुआ है। अब दो नंबर तीन नंबर ईटा होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। दो नंबर तीन नंबर ईटा वो होता है, जैसे कि जो हम लोग ईटा को पकाते हैं भट्टा में, तो जो जो ईटा जो कोयला के पास में होता है, जो आग के पास में होता है, वो एक नंबर निकलता है। एक नंबर को आप ईटा पहचानेंगे कैसे? एक नंबर को आप अगर दोनों ईटा को आपस में बजाएंगे तो टन टन की आवाज करेगा और वो जल्दी टूटेगा नहीं, वो उसको देखने में भी स्ट्रांग लगेगा। तो दोस्तों जो तीन नंबर ईटा होता है, दो नंबर ईटा होता है, उन लोगों को अगर आप आपस में बजाएंगे तो कुछ पोपला टाइप में बजेगा, जैसे कि फटा हुआ बांस बजता है, उस तरह से उसका आवाज आएगा और वो ज्यादा तेज में बजाने पर वो आपस में टूट कर निकल जाते हैं। और दोस्तों इन लोग से लगाने से घाटा, इन लोग को लगाने से हमें घाटा क्या होता है? दोस्तों इन लोग को लगाने से होता ये है कि अगर आप दो तीन चार साल बाद इसको ईटों का जोड़ दिए तो तीन चार साल बाद इसका रिजल्ट आता है दोस्तों कि देखेंगे इस तरह से इसका ये धीरे धीरे ना उसके अंदर से मट्टी निकलना झड़ना शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से वीडियो से। और ये चार पाँच साल बाद देखेंगे तो पूरा मट्टी झड़ना शुरू हो जाएगा और आपका पूरा खोखला बन जाएगा। तो दोस्तों यही इसका घाटा है। अगर इसमें आप प्लास्टर भी कर देंगे तो भी प्लास्टर के सहित लेकर के वो प्लास्टर भी खराब कर देगा, प्लास्टर को लेकर के वो निकल जाता है, कुछ इस तरह से इसका काम होता है। जिसमें ये कहता है इसको नोइना लग गया है, दोस्तों नोइना उसी में लगता है जो कि दो नंबर तीन नंबर ईटा होता है। दो नंबर तीन नंबर ईटा का दोस्तों यूज होता है मतलब कि कोई आप खराब काम कर रहे हैं, जैसे नीचे गोलाई वाला काम कर रहे हैं फर्श में, तो उसमें आप लगा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई काम टेम्परेरी जो हो रहा है उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं परमानेंट के लिए, तो उसमें दो नंबर तीन नंबर ईटा लगाएंगे तो आप ये मत लगाइएगा, ये कोई सक्सेस नहीं है, ये बहुत ही प्रॉब्लम कर देगा आपको बाद में। दोस्तों एक और भी आता है ईटा जो कि दिखने में आपको आग से लगेगा कि लाल ईटा है और बहुत अच्छा ईटा है और ये एक नंबर का ईटा होगा, लेकिन दोस्तों वो एक नंबर का होता नहीं है, वो होता ही है दो नंबर तीन नंबर का। क्या करते हैं उसमें कि लाल ईटा को बनाने के लिए दोस्तों उसमें क्या करेंगे कि पहले से ही उसमें नमक डाल देते हैं या फिर कुछ केमिकल होता है उसको उसमें डाल देते हैं, जिससे कि वो बताता है उसके बाद में कलर आ जाता है कि उसको लाभ हो जाता है, जिससे कि पब्लिक भी या फिर जो कहाँ के देखने वाले अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इस ईटे को ले लेते हैं। दोस्तों आप ईटे के लाल कलर पे न जाएं, आप उसको बजा कर देखें, अगर टन टन की आवाज है और देखने में भी टच करने में लगता है कि लोहे जैसी आवाज उसका है तो ही आप ईटा लें। दो नंबर तीन नंबर की दोस्तों आप न लें, नहीं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा नुकसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा रहता हूँ, तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे दोस्तों को वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना दोस्तों को भूलिएगा, लाइक करने से हमारा बहुत कुछ मिल जाएगा।